हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पुराना साल जा रहा है ढेर सारी यादों को अपने साथ लेकर, और नया साल आ रहा है ढेर सारी उम्मीदों को अपने साथ लेकर। अनुभव हमेशा कड़वे मीठे चलते रहते हैं, जीवन का हिस्सा है, लेकिन पुराने अनुभवों को भुलाकर और आगे चलते रहना, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जीवन है। क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है, थमी का नाम तो कुछ और ही हो जाता है। इन सभी यादों को लेकर और नई उम्मीदों को लेकर हम लोग आए हैं एक शानदार कवि सम्मेलन के कार्यक्रम को करने के लिए। अपनी अपनी विधाएं हैं, अपनी अपनी शैली है, किसी भी अनुभवों को, किसी भी बात को प्रस्तुत करने के लिए, रखने के लिए। लेकिन कवि की जो शैली है उसकी बात ही कुछ निराली हो जाती है, क्योंकि उसमें कई तरह के तड़के जुड़ जाते हैं, चाहे वो हास्य के हो, चाहे वो व्यंग के हो, या चाहे वो किसी और चीज के हो। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने शानदार कवि सम्मेलन की। आपका बहुत स्वागत है सभी का हरियाणा न्यूज के इस कवि सम्मेलन में। शुरुआत में करने जा रहा हूं एक ऐसे कवि के साथ जो कि बिहार के लाल हैं, बिहार की माटी से आते हैं, जो कि हास्य विधा के भी कवि हैं, जो कि व्यंग, और जिनके पास कविताओं का भंडार ऐसे है जैसे कि सागर ही क्यों ना हो। बहुत स्वागत है विमलेंदु सागर जी आपका, और मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ ही। नमस्कार, एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों का मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। नए साल की शुरुआत अच्छी बातों से हो, शुभकामनाओं से हो, ये बस यही कोशिश है हमारी। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। स्वागत है सर। कि गीत सद्भाव के गुनगुनाएंगे हम, गलतियों को नब दोहराएंगे हम। वाह। गीत सद्भाव के गुनगुनाएंगे हम, गलतियों को नब दोहराएंगे हम। आओ खाएं कसम इस नए साल में, आओ खाएं कसम इस नए साल में, फिर से भारत को सूरज बनाएंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। खाएं कसम। और आप सभी को नए साल की सौगात चार पंक्तियों के साथ। उमंगों भरा दिन हंसी रात लाए, उमंगों भरा दिन हंसी रात लाए, झिलमिल सितारों की बारात लाए। वाह वाह। हो पूरी तमन्नाएं आशाएं सारी, हो पूरी तमन्नाएं आशाएं सारी, नया साल खुशियों की सौगात लाए। वाह जी वाह। नया साल खुशियों की सौगात। और आप लोगों को बधाई देते हुए एक घनाक्षरी। सुखमय रैन मिले, दिन में पूर्ण चैन मिले, कांतिमय नैन वाले हाल की बधाइयां। क्या बात है। सुखमय रैन मिले, दिन में पूर्ण चैन मिले, कांति वाले नैन वाले हाल की बधाइयां। समृद्ध व्यापार हो, सुकून भी अपार हो, हो ढेर सारा प्यार और माल की बधाइयां। मदमस्त चाल मिले, सुर लय ताल मिले, मदमस्त चाल मिले, सुर लय ताल मिले, काले लंबे बाल लाल गाल की बधाइयां। बने इंसान खास, पूरी हो हर एक आस, सदा मधुमास वाले साल की बधाइयां। सदा मधुमास वाले साल की बधाइयां। एक गीत कि नया साल आया है कमाल यार देखना, अपने यार दोस्तों को नए साल के बारे में। कि नया साल आया है कमाल यार देखना, नया साल आया है कमाल यार देखना, बदलेगा दुनिया का हाल यार देखना। और क्या क्या देखना, कि नेताओं के दिलों में भी देश प्रेम जागेगा, तो चमकेगा भारत का भाल यार देखना। वाह। और आतंकी के बच्चे बोलेंगे मेरे पिताजी बोलो मारते हो क्यों भारत के लाल यार देखना। हाय हाय, क्या बात है। लेखनी रहेगी टंच, मिलेंगे हर काव्य मंच हम कवियों के लिए।
लेखनी रहेगी टंच मिलेंगे हर काव्य मंच बदलूंगा कवियों का हाल यार देखना और श्रोताओं को अच्छी अच्छी कविता समझ आए तालियों का पड़े ना अकाल यार देखना। वाह जी वाह। हर साल बार बार पे बढ़े लगातार, प्राइवेट जॉब करता हूँ कि हर साल बार बार पे बढ़े लगातार हो जाऊंगा मैं भी माल माल यार देखना और छाती पे लौटेंगे सांप दुश्मनों के बार बार देख के ये काले घने बार यार देखना। और अंतिम चार पंक्तियां हर एक शादीशुदाओं हमारे दोस्तों की दिल की बात कि सासू जी देंगी मलाई साला भी देगा कमाई, एक ही ख्वाहिश है कि सासू जी देगी मलाई साला भी देगा कमाई ससुरे भी देंगे थोड़ा माल यार देखना। सासू जी देगी मलाई साला भी देगा कमाई ससुरे भी देंगे थोड़ा माल यार देखना और झगड़ेगी नहीं बीबी साली जी होगी कड़ी भी बस जाऊंगा मैं ससुराल यार। क्या बात है, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। और जैसा कि मैंने परिचय में ही बता दिया था, हास्य व्यंग सारी चीजें देखने को मिलेंगी सागर साहब की रचनाओं में, हमेशा से वो चीज देखने को मिलती रही है, इस बार भी मिली है। आगे बढ़ते हैं अगली कवित्री के साथ, जो ना केवल अकेले कवित्री हैं बल्कि एक बहुत अच्छी उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, आर्टिकल्स भी लिखती हैं और अपनी कविताओं के लिए जानी जाती हैं, अपनी विधा अपनी शैली के लिए जानी जाती हैं। मैं स्वागत करता हूं मीना चौधरी जी आपका आपकी रचनाओं के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ मीना जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विमलेंदु सागर जी ने बहुत सुरीला आगाज किया है, बहुत बहुत बधाई उनको। मैं भी चार पंक्तियां देती हूं। निशान कदम के तो आसमां में हम जमा लेंगे, निशान कदम के तो आसमां में हम जमा लेंगे, गुलशन हसीन कलियों की अदा से हम सजा देंगे, गुजरते इन नजारों में इशारे बहुत तूफान के, गुजरते इन नजारों में इशारे बहुत तूफान के, किनारे डूबती कश्ती खुद ब खुद हम लगा लेंगे, किनारे डूबती कश्ती खुद ब खुद हम लगा लेंगे। अब माँ भारती की पुकार हम सुनते हैं। माँ भारती करती पुकार देखो नव वर्ष खड़ा द्वार, माँ भारती करती पुकार देखो नव वर्ष खड़ा द्वार, नैतिकता के पतन युग में, नैतिकता के पतन युग में नव मूल्यों का हो श्रृंगार, नव मूल्यों का हो श्रृंगार, जीवन नवरस बसंत हो, जीवन नवरस बसंत हो, विश्व मानवता करें सवार, पतझर का ना हो भार, पतझर का ना हो भार, माँ भारती करती पुकार। वाजी वा। हर खेत में हरियाली उपजे, हर खेत में हरियाली उपजे, जनमन भावन सावन हर से, सांस सांस में फागुन महके, सांस सांस में फागुन महके, गली गली सब गाए मल्हार, माँ भारती करती पुकार। वाजी वा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर है। माँ भारती की यही पुकार नव विमर्श नव उत्कर्ष हो, नव विमर्श नव उत्कर्ष हो, नव संकल्प नव विकल्प हो, नव वर्ष का हर्ष, नव वर्ष का हर्ष से हम करें सत्कार, माँ भारती करती पुकार, नव वर्ष का हर्ष से हम करें सत्कार। वाजी वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर बहुत गंभीर और बहुत अच्छी रचना मीना जी ने हमें सुनाई। अब अगले कवि से आपका परिचय कराता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, उपेंद्र फतेहपुरी साहब। आप औज रस पर लिखते हैं, श्रृंगार रस पर लिखते हैं, सामाजिक सरोकार पर लिखते हैं, और सुनते हैं कैसी रचनाएं हैं उपेंद्र फतेहपुरी साहब की। बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और एसटीवी हरियाणा के सभी दर्शकों को और पूरी टीम को और आदरणीय मीना चौधरी जी को जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, बहुत बहुत नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे देश के लिए नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से हमारा देश निरंतर तरक्की कर रहा है और नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, तो मैं आपको एक ऐसे गीत से जोड़ता हूँ
जो एक आशावादी गीत है और जो बताएगा कि कितना परिवर्तन देश में हो रहा है। और वो परिवर्तन आपको अगर कहीं नज़र नहीं आए तो आप अपने ननिहाल में जाकर देखिए। तो मैं आप सभी को आज ननिहाल लेकर चलता हूँ, आप पुराने दिन याद करेंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं वो दिन आपको जरूर याद आएंगे। स्वागत है सर, स्वागत है। मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, दादा बैठे हुए हैं यहाँ, कि छोटे छोटे गलियारों में पक्की सड़कें पक्की नाली, बचे नहीं अब खेल कूद को दल्लानों के आंगन खाली, और ईंटों से सब घर हैं पक्के, ईंटों से सब घर हैं पक्के, रहने वाले सब खुशहाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल। और साहब कि पहले वो नानी की मटकी जिसमें रखी मिठाई होती, पहले वो नानी की मटकी जिसमें रखी मिठाई होती, नानी की आंखों से छिपकर तुमने कभी चुराई होती, और खबर पड़ी जब भी नानी को अपनी तबीयत खस्ता हाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल। और साहब पुरानी बातें कि चाट पकौड़ों की आवाजें नहीं सुनाती हैं अब गलियां, चाट पकौड़ों की आवाजें नहीं सुनाती हैं अब गलियां, अब आमों के पत्तों वाली मुश्किल से दिखती पंखुड़ियां, और मामा बैलों की गाड़ी का लेना भूल गए हैं हाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल, रहटों कोहलू की आवाजें अब ना शोर मचाती हैं, बैलों की गर्दन की घंटी भी ना शोर मचाती हैं, लेकिन अब नवयुग है आया इसका तुम मत करो मलाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल। और साहब कि बच्चे पक्की सड़कों पर साइकिल से दौड़ लगाते हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है, कि बच्चे पक्की सड़कों पर साइकिल से दौड़ लगाते हैं, उस पर चढ़ विद्यालय जा सपनों को पंख लगाते हैं, और मोबाइल की तकनीकी ने कितना कुछ है लिया संभाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम लाइन और समर्पित करता हूँ कि मौसी अब चिड़ियों की बातों पर अक्सर चिढ़ जाती है, अब ननिहाल बदल गया है साहब, कि मौसी अब चिड़ियों की बातों पर अक्सर चिढ़ जाती है, और सेल्फी लेने खातिर कितनी शक्ल बनाती है, और सेल्फी लेने खातिर कितनी शक्ल बनाती है, और खत्म रिचार्ज यदि हो जाए घर में झगड़े करे बवाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल, नानी के घर जाकर देखो कितना बदल गया ननिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी देशवासियों के लिए, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां, जय हिंद जय भारत। बहुत शानदार कविता उपेंद्र फतेहपुरी साहब, और मुझे लगता है कि हम लोग ही वो शायद आखिरी पीढ़ी होंगे जो इस बदलाव को देख पा रहे होंगे। पिछले वाले तो चले गए और अगले वालों को क्या पता कि क्या उस समय होता था जो हम लोगों ने देखा है। चलिए बहुत सुंदर रचना थी सर आपकी, आगे बढ़ते हैं और अगली कवित्री से आपका परिचय करा देता हूँ। सुशीला यादव जी हैं, समाज सेविका हैं, योगाचार्य भी हैं और गीतकार भी हैं। बिना देरी के सुशीला जी बहुत स्वागत है आपका, आपकी रचना आपकी कविता। धन्यवाद शेखर जी, सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं, और नव वर्ष पे एक मुक्तक देती हूँ। जी स्वागत है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, नव वर्ष का अब आगाज करो, उड़ चलो उम्मीदों के रथ पर, उड़ चलो उम्मीदों के रथ पर, उन मुक्त गगन परवाज भरो, उन मुक्त गगन परवाज भरो। और अब चलिए एक गीत जाने वाले साल पर, जो खट्टी मीठी यादें हमें देके गए हैं, उसको मैं अपने शब्दों में ढाल के मैंने लिखा है, सुनिएगा।
खट्टी मीठी यादें देकर साल पुराना बीत गया। खट्टी मीठी यादें देकर साल पुराना बीत गया। यूं लगता है हमसे बिछड़ कर जैसे कोई मीत गया। यूं लगता है हमसे बिछड़ कर जैसे कोई मीत गया। और कैसे, कभी धूप सा कभी छांव सा, कभी मधुर कभी झिड़की सा, कभी धूप सा कभी छांव सा, कभी मधुर कभी झिड़की सा। कभी कभी हमें खूब घुमाया चक्कर देकर फिर की सा। कभी कभी हमें खूब घुमाया चक्कर देकर फिर की सा। और कभी सरगम सा बज कर, और कभी सरगम सा बज कर हमको दे संगीत गया। और कभी सरगम सा बज कर हमको दे संगीत गया। यूं लगता है हमसे बिछुड़ कर जैसे कोई मीत गया। और क्या कहती हूँ, कभी रुलाया कभी हंसाया, कभी पहनाया ताज हमें। कभी रुलाया कभी हंसाया, कभी पहनाया ताज हमें। कभी कभी तो दूध छटी का खूब दिलाया याद हमें। कभी कभी तो दूध छठी का खूब दिलाया याद हमें। और कभी दी हार कभी, और कभी दी हार कभी तोहफे में देकर जीत गया। और कभी दी हार कभी तोहफे में देकर जीत गया। यूं लगता है हमसे बिछुड़ कर जैसे कोई मीत गया। और आगे देखिएगा, कभी झुलाया झूले में तो, कभी धरा पर लापट काजी। कभी झुलाया झूले में तो, कभी धरा पर लापट का। कभी दिखाए सपन सलोने, कभी दिया फिर से फटका जी। कभी दिखाए सपन सलोने, कभी दिया फिर से फटका। अलग अलग रंग खूब दिखाए, अलग अलग रंग खूब दिखाए। तोड़ के अब तू प्रीत गया। अलग अलग रंग खूब दिखाए, तोड़ के अब तू प्रीत गया। यूं लगता है हमसे बिछुड़ कर जैसे कोई मीत गया। और अंतिम बंद देखिएगा, नए साल का जश्न मनाए या जाने वाले का गम। नए साल का जश्न मनाए या जाने वाले का गम। सच तो ये है साल हो गया एक और जीवन का कम जी। सच तो ये है साल हो गया एक और जीवन का कम। पर हमने तो समझा इतना, पर हमने तो समझा इतना, लम्हा कोई पुनीत गया। पर हमने तो समझा इतना, लम्हा कोई पुनीत गया। खट्टी
मीठी मीठी यादें देकर साल पुराना बीत गया, यूं लगता है हमसे बिछुड़ कर जैसे कोई मीत गया, यूं लगता है हमसे बिछुड़ कर जैसे कोई मीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कवि का परिचय आपसे करा देता हूं। अब डॉक्टर राजीव पांडे जी हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन के अध्यक्ष भी हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं और अपनी कविता कहानियों के लिए जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव पांडे जी आपका अपनी रचनाओं के साथ। बहुत धन्यवाद। एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। आज का जो कवि सम्मेलन नववर्ष के लिए हो रहा है और ये एक ऐसा कवि सम्मेलन है जिसके सारथी के रूप में साक्षात केशव जी हों तो सफल हो ही जाता है। मैं सीधे एक मुक्तक रखता हूं और एक गीत रखता हूं। उदित भानु की प्रथम किरण ने, उदित भानु की प्रथम किरण ने वसुधा मुख के अधर छुए। वाह वाह वाह। उदित भानु की प्रथम किरण ने वसुधा मुख के अधर छुए, अलसाई पलकों के सपने, अलसाई पलकों के सपने डूब नहाते किसी कुएं। और प्रथम मिलन की अगुवानी में, प्रथम मिलन की अगुवानी में गंधित उपबन बिकल खड़े, और नई चेतना के पग घुंगरू, नई चेतना के पग घुंगरू नर्तन करके मुदित हुए, नर्तन करके मुदित हुए, नर्तन करके मुदित हुए। और एक गीत रखता हूँ। हमारे सामने गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हमें संदेश देती हैं और नववर्ष की वेला पर हम लोग ये कर रहे हैं तो कुछ हमारी जो संस्कार संस्कृति छूट रही है, हमारी कविता में दो चीजों को लेकर के आया हूं, कुछ जो छूट रहा है उसको और एक आशावाद उसके बाद रखता हूं आपके सामने। आशाओं की नई भोर में, आशाओं की नई भोर में नूतन पंख सजेंगे, आशाओं की नई भोर में नूतन पंख सजेंगे, और सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के, सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के फिर से दिन बहुरेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। इस उम्मीद के साथ क्या क्या हमने खोया है और पाना क्या है। चिड़ियों के कल रब से सुना, चिड़ियों के कल रब से सुना आंगन नहीं सुहाता, और रोज सवेरे कागा भी कब, रोज सवेरे कागा भी कब अपना बचन निभाता। ओ उम्मीदों पर मिट्ठू कायम, उम्मीदों पर मिट्ठू कायम स्वागत कर हर्षेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। और सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के, सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के फिर से दिन बहुरेंगे। एक बहुत चर्चित दादी माँ जो हम सुना करते थे, आज टीवी ने सब कुछ छीना है, लेकिन तब कहना चाहता हूं, बिना कथानक के सो जाते, बिना कथानक के सो जाते दादी माँ के सपने, बिना कथानक के सो जाते दादी माँ के सपने, और संध्या वंदन का सुर धीमा अधर लगे हैं कपने। ओ बूढ़ी लाठी, बूढ़ी काकी की लाठी में, बूढ़ी काकी की लाठी में फिर से पर निकलेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के, सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के फिर से दिन बहुरेंगे। और क्या कहना चाहता हूँ साहब, आज कहाँ पहुंचे हम। मुस्काती कैक्टस की मूंछें, नए प्रतीक देखिए साहब, बिल्कुल मुस्काती कैक्टस की मूंछें घर की बालकनी में, यहां तक पहुंचे साहब हम।
मुस्काती कैक्टस की मूंछें घर की बालकनी में, और तुलसी के गमलों से आए सांसें नागफनी में, और रेगिस्तानी बातायन में गंधित पुष्प खिलेंगे, हम कुछ नया करेंगे। और सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के फिर से दिन बहुरेंगे। अभी फतेहपुरी जी ने गांव की बात की थी, मैं ले चलना चाहता हूं। चौपालों पर सन्नाटों ने अपना डेरा डाला, अज्ञानों ने दम तोड़ा है पीकर गम का प्याला। ओ बीरानी गलियों के पग में घुंघरू मधुर बजेंगे, हम कुछ नया करेंगे। और सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के फिर से दिन बहुरेंगे, हम कुछ नया करेंगे। और अंतिम पंक्ति रखना चाहता हूं साहब, स्वाति बूंद के संधि पत्र को चातक ने ठुकराया। सुरा सुंदरी के अभी अब से डीजे पर इठलाया, और चकोरों की उंगली से चंदा केस सजेंगे, हम कुछ नया करेंगे। आशाओं की नई भोर में नूतन पंख सजेंगे, और सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियों के फिर से दिन बहुरेंगे, हम कुछ नया करेंगे। बहुत शानदार सर सुनाया आपने। एक पंक्ति बोली बीच में कि टीवी ने हमसे बहुत कुछ छीना है। अब चूंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूं तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ गणेश जैसी हो जाती है कि जब माँ पार्वती भी ये कहते हैं कि महादेव आए उन्हें भी अंदर नहीं आने देना है, तो मैं उनका बचाव करूंगा क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूं। और आप मेरे बड़े हैं, आप शिक्षक हैं, और मैं जो आपके सामने बात अभी बोल रहा हूँ वो वैसी है जैसी सूरज के सामने जुगनू की बात हो। हम टीवी के जरिए लोगों तक कनेक्ट हो पाए हैं। आपने महत्वपूर्ण संदेश हम सभी ने दिए, वो टीवी के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएगा। छीना है तो थोड़ी सी अनुशासनहीनता ने छीना है। पिता की डांट जहां होनी चाहिए पिता का डर वहां संतान को लेकर है, माँ का दुलार जहां होना चाहिए वहां दुलार रहे, लेकिन माँ की डांट जहां होनी चाहिए वो माँ की डांट थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसने थोड़ा सा छीना। टीवी ने तो हमें दिया है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कवित्री से आपका परिचय कराता हूं। श्रृंगार रस की हैं, सामाजिक रचनाएं करती हैं, सभी विधाओं में लेखन करती हैं, और जिनकी वाणी में केशर जैसी मिठास है, चांदनी की तरह जिनके शब्दों का अनुभव रहता है, मैं चांदनी केशरवाणी जी से निवेदन करूंगा अपनी रचनाओं के साथ शुरुआत कीजिए आप। बहुत बहुत आभार आपका केशव जी, और एसटीवी हरियाणा के सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दो पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ। स्वागत। वर्ष नया है आ रहा भूलो सभी खटास, टूटे रिश्ते जोड़े लो, मन भर लो नई मिठास सुगंधा, बहुत बहुत आभार। एक बार आप सभी को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक दुआ की पंक्ति रखती हूँ, सुनिएगा। चार पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ। दुआ अब मांगता है दिल,
दुआ अब मांगता है दिल मोहब्बत ढाल हो जाए, दुआ अब मांगता है दिल मोहब्बत ढाल हो जाए, यहाँ सबके लबों पर अब सुरों की ताल हो जाए। सुनो ईश्वर मेरे दाता अरज, सुनो ईश्वर मेरे दाता अरज, तुमसे है इतनी बस, अंधेरों को मिटा कर अब चमकता साल हो जाए, अंधेरों को मिटा कर अब चमकता साल हो जाए। बहुत बहुत आभार आप सभी को। देखिए पुराना वर्ष चला गया है और हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी असफल भी हो जाते हैं, हार भी जाते हैं, तब चार पंक्तियां कहती हूँ कि हमेशा हमेशा हमें उम्मीद की किरण जगाए रखनी चाहिए कि खा के ठोकर भी खुद को सवारा करो, खा के ठोकर भी खुद को सवारा करो, मुश्किलों में भी डट के गुजारा करो। खा के ठोकर भी खुद को सवारा करो, मुश्किलों में भी डट के गुजारा करो, जीत अक्सर मिले यह जरूरी नहीं, जीत अक्सर मिले यह जरूरी नहीं, हार के भी नहीं मत यूं हारा करो, हार कर भी नहीं मत यूं हारा करो। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और देखिए माँ को चार पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ क्योंकि नया वर्ष है, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, आज सब हम यहाँ मौजूद हैं तो उनका आशीर्वाद है, तो सुनिएगा। आँखों से जब गम का दरिया बहता है, आँखों से जब गम का दरिया बहता है, जग को केवल खारा पानी लगता है, जग को केवल खारा पानी लगता है, ऐसे में जो आंसू चुन मोती कर दे, ऐसे में जो आंसू चुन मोती कर दे, इस दुनिया में केवल माँ की ममता है, इस दुनिया में केवल माँ की ममता है। बहुत बहुत आभार। और देखिए पुराना वर्ष चला गया है और नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, तब भी देखिए आज इतना विकास कर चुका है हमारा देश, तब भी कुछ समस्याएं हम देखते हैं महिलाओं के लिए, तब चार पंक्तियां कहती हूँ। अहम से जो भरोगे तुम यहाँ पहचान खो दोगे, अहम से जो भरोगे तुम यहाँ पहचान खो दोगे, बहेंगे अश्क आँखों से, बहेंगे अश्क आँखों से मधुर मुस्कान खो दोगे, यहाँ पर नारियाँ पूजित अमानत है धरा की सब, यहाँ पर नारियाँ पूजित अमानत है धरा की सब, नहीं आदर किए इनका तो तुम सम्मान खो दो। क्या बात, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। चूंकि देखिए श्रृंगार लिखती हूँ, प्रेम लिखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है प्रेम से ये संसार बसा है और प्रेम से भगवान भी बंधे हैं, तब प्रेम की चार पंक्तियां कहती हूँ कि देखिए एक लड़की जब प्रेम करती है तब वो कैसे समर्पित होती है अपने प्रेमी से, सुनिएगा। तेरे दिल पर मेरा नाम लिख जाऊंगी, तेरे दिल पर मेरा नाम लिख जाऊंगी, मन के भावों से पैगाम लिख जाऊंगी, तेरे धड़कन में धड़कूंगी मैं इस कदर, तेरे धड़कन में धड़कूंगी मैं इस कदर, खुद को राधा तुझे श्याम लिख जाऊंगी, खुद को राधा तुझे श्याम लिख जाऊंगी। और देखिए आजकल बहुत लोग खासतौर पर उपेंद्र जी, सुनिएगा, आपसे एक बार बात हो रही थी तो उपेंद्र जी ने कहा कि लड़कियों को गिफ्ट दो तो खुश हो जाती हैं, तब मैं कहती हूँ चार पंक्तियाँ कि ऐसा नहीं है। देखिए हम जब प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम में क्या होती है, क्या भावना होती है, सुनिएगा। बन के छलिया यहाँ तुम सताना मुझे, बन के छलिया यहाँ तुम सताना मुझे, बांसुरी की मधुरता में गाना मुझे, बन के जोगन तेरी मैं चली आऊं तो, बन के जोगन तेरी मैं चली आऊं तो, सात जन्मों तलक तुम निभाना मुझे, सात जन्मों तलक तुम निभाना मुझे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इन रचनाओं के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से हाजिर होंगे कुछ और नई रसीली स्वादिष्ट कविताओं के साथ। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।